उनसे कह रहा कि टैलेंट कैसा होता है, मैंने बोला ऐसा होता है। सेलिब्रेट करते हैं, इसका उत्सव मनाते हैं और इस आयोजन के साथ आप हमेशा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा अपना मानना है कि अगर आपको एक्टिंग और अभिनय अपने जीवन में अपनाना है, कम से कम 3 साल का रंगमंच का अनुभव होना ही चाहिए। और इससे 2 चीज़ें होती हैं, आपका बहुत बड़ा फायदा होता है और इससे रंगमंच के पास लोगों की कमी नहीं रहती। मैं चाहूँगा कि आप सब न सिर्फ काम खोजें बल्कि काम भी करें। रंगमंच में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है, आप सब बड़े होते हैं। मुकेश और उसके साथियों को बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि हर साल इस तरह का आयोजन करना कोई छोटी बात नहीं होती है। मुझे पता है कि कितना संघर्ष करना पड़ता है, एक एक पैसे कहां कहां से लेके आने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मुकेश और इसके साथ ही लगातार इस पे जुड़े हुए हैं और हर साल इस तरह का आयोजन कर रहे हैं, इसके लिए इन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ये अगर फेस्टिवल कर पा रहे हैं तो आप सबकी बदौलत ही कर पा रहा हूँ, ये सब लोग मदद करते हैं हर बारी तो हो जाता है, तो भगवान करे कि हमेशा करते रहो, हमेशा मैं करता रहूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। तो एक ही मिलेगा, मैं एक भैया तो हम तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कुछ देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है कि स्टारों ने लोगों की आदत खराब कर दी। क्या है कि डायलॉग बोल बोल के आप लोग मैं देख सकता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग अभिनेता हैं और एक्टर हैं, और जब हम लोग काम करते हैं किसी कैरेक्टर पे, ये मुकेश जानता है, कई दिन और कुछ महीने लगा करके एक कैरेक्टर पे काम करना शुरू करता है आदमी, और जो आप अभिनय देखते हैं वो पर्दे पे, उसके पीछे एक लंबी चौड़ी मेहनत होती है उस चरित्र में घुसने के लिए, और तब जाकर के आप जो है उस तरह का जो परफॉर्मेंस है आपके पास पहुंचता है। मुझे खुशी है कि आप सब लोगों को सारे परफॉर्मेंस बहुत पसंद आए हैं। मैं बहुत बुरा हूँ डायलॉग बोलने में जब ऐसे मंच, क्योंकि एक जब हम काम कर रहे होते हैं उस समय तो कैरेक्टर में होते हैं, उस समय तो मुझे सामने का आदमी भी नहीं दिखता है कि कौन है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, लेकिन बहुत बुरा करता हूँ बॉस। क्या बोल रहे बाबूलाल जी की हत्या महंगी पड़ेगी उनको, बहुत महंगी। अरे भाइयों, राष्ट्रवादी की जड़ें इतनी कमजोर नहीं है कि इन हादसों से हिल जाए।
मनगढ़ंत स्कैंडल्स और खोद खोद के कीचड़ उछाल रहे हैं हम पर, मगर आसमान में थूकने वाले को नहीं पता कि पलट के थूक उन्हीं के ऊपर गिरेगा। करारा जवाब मिलेगा। मेरे पिताजी चाहते हैं कि आपको ये एक थैंक यू। आज ये देखो, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे बाप हैं, वो एक्टिंग के बाप हैं, तो हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू सो मच। अब भैया को जाना है। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल।